ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या करें बताओ। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आज मैं आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला बता रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब समझते हैं, कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो मैं डेरिवेशन भी बता देता। अंजलि, हेलो अंजलि। यस सर। बेटा तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर करा रहा हूँ? बताओ। हाँ सर, पर बताओ कौन सा करा रहा हूँ सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे वाह, नाम तो याद है, चलो अच्छी बात है। देखो आज मैं आपको, अरे नहीं सर, समझ में आता है। ठीक है, क्या बात है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है 10th क्लास में स्कूल में तीन सेक्शन है, 10th A, 10th B, 10th C। ऐसी एक लाइन सेगमेंट है, उसके सेक्शन है ए बी, इसको दो सेक्शन में डिवाइड करें, ए बी और एपी और पीबी। तो सेक्शन को दूसरे वे में कहते हैं रेशियो में डिवाइड करना, एपी और पीबी में। इसके पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, इसके पॉइंट x2 y2 गिवन है, और ये रेशियो है m रेशियो n गिवन है। आपको p के कोऑर्डिनेट x और y फाइंड करना है, उसको फाइंड करना ही सेक्शन फॉर्मूला है। a के पॉइंट गिवन है x1 y1, b के पॉइंट x2 y2, p के पॉइंट xy ढूंढना है, और इसमें सेक्शन यानी रेशियो दिया है, ap का रेशियो m, pb का रेशियो n। तो इसको फाइंड, x को फाइंड करने के लिए m into x2 plus n into x1 upon m plus n, और y पॉइंट ढूंढना है m into y2 plus n into y1 upon m plus n। ये कैसे लर्न कैसे करें? लर्न करने का इजी तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे x ढूंढना है तो आपको सिर्फ x पर फोकस करना है कि x कहां कहां पर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m को x2 से मल्टीप्लाई करो mx2 plus n को x1 से मल्टीप्लाई nx1 upon m plus n। ऐसा करने से x का वैल्यू आ जाएगा, और y का वैल्यू चाहिए तो m into y2 plus n into y1 upon m plus n। ये है देखो, m into y2 plus n into y1 upon m plus n, इससे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब इसको यूज कैसे करें, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके पॉइंट 2, 3, दूसरा पॉइंट है 4, 5, और जो पी पॉइंट है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, रेशियो में। तो आपको क्या देखना है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m और ये n, और इसके x और y कोऑर्डिनेट p के ढूंढने हैं। तो x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए m into x2 plus n into x1 upon m plus n। तो m आपका 2 है, 2 into x2, 2 into 4, 8, plus 3, फिर n into x1, 3 into 2, 6, upon 2 plus 3, 5, 14 upon 5, x कोऑर्डिनेट आ गया p पर। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, सेम m into y2 plus n into y1 upon m plus n। फिर से n, m है 2, 2 into 5, 10, plus 3 into 3, 9, upon 2 plus 3, 5, 19 upon 5। तो जो p के पॉइंट्स आए, के कोऑर्डिनेट्स आए, x आया 14/5 और y आया 29/5, नहीं 19/5। तो ये p के कोऑर्डिनेट हमने सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड किए। याद रखना, लाइन शुड बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन होगी तभी सेक्शन बनेगा। ओके, चलो इसके ऊपर मैं आपको सेक्शन को और बता देता हूं कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे आपको यहां दिया है, एक लाइन है जिसके पॉइंट है ए और बी, ये दिया है 4, 5, ये दिया है 7, 9, और जो पी पॉइंट है इसको
फोर इज टू फाइव रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो पी के हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने कि पी के एक्स और वाई क्या होंगे, तो हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू, इसको एम और एम, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए सेक्शन फॉर्मूले से एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम क्या है आपका फोर, फोर इंटू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 7 जा 28 प्लस फिर n इनटू x1 5 4 जा 20 अपॉन 4 प्लस 5 m प्लस n 4 प्लस 5 9 48 अपॉन 9 इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढना है सेम मेथड, m इनटू y2 प्लस n इनटू y1 अपॉन m प्लस n, m यानी 4, 4 into 9, 36 plus 5 into 5, 25 upon m plus n, 4 plus 5, 9, that is 61 upon 9. तो ये p के कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट आ गए 48 upon 9, 61 upon 9, ये आ गया। बच्चों देखो सेक्शन फॉर्मूला आपको कुछ समझ आया, थोड़ा बहुत भी आइडिया हुआ सर? हाँ सर, वापस समझाओ, नहीं समझ आया। वापस समझाएं बताओ, जैसे देखो अभी हम दूसरे पॉइंट्स, जैसे इसमें ये दिया ए और बी दिए, इसके 4 5 इसके 7 9, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और पी इसको ए बी को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए पी रेशियो पी बी 4:5, तो आपको इसको पी को कैसे ढूंढना है इसके लिए फॉर्मूला है, p का अगर x2 है तो x के लिए m into x2 plus n into x1 upon m plus n, और m क्या है 4, 4 into x2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 plus 5 4 जा 20 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करना अगर x ढूंढ रहे अपॉन 4 plus 5 तो 48 by 9 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढना सेम, m into y2 plus n into y1 upon m plus n, m आपको दिया 4, 4 7 9 जा 36 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 4 प्लस 5 9 61 अपॉन 9, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया इस p पॉइंट का। बच्चों ये देखो आपको अभी आया, क्लियर आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। पक्का आ गया सर पूरा? ओके गुड आइडिया सर। हां बोलो क्या पूछना है, कुछ पूछना है वीरेंद्र? नो सर। चलो अब डाउट तो है एक, मतलब बाद में पूछ लेंगे। देखो मैं आपको इसी 7.2 में सर, हां 7.2 एक्सरसाइज का है ये कांसेप्ट, वही बता रहा हूं सर। एट क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, पहले ये खत्म हो जाए ना मेरा कांसेप्ट, फिर तुम्हें डाउट में बता रहा हूं। अब जैसे इसमें कि आपने एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स दिए 2, 3 माइनस 1, 7, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपने यहां लिखा 1, 2, 3, 4, 5 ये। अब आपको P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट, T के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, A और B आपको दिया हुआ है, ठीक है? अब हमको देखना रेशियो क्या बना। अगर आप यहां से देखते हैं AP, तो ये AP हो गया, ये PB हो गया, तो ये आपका M और ये N हो गया। M कितना होना चाहिए आपके हिसाब से रेशियो वाइज? 1:4। वेरी गुड, ये 1:4 हो गया। अब M को 1 और N को 4, ये x1 y1 ये x2 y2 लेकर आप P के कोऑर्डिनेट x और y ढूंढेंगे, तो हमने वही ढूंढा, x कोऑर्डिनेट ढूंढा m into x2 n into x1 upon m plus n, 1 into minus 1 minus 1 plus 4 into 2 8 upon 1 plus 4 5, तो ये 7 by 5 x कोऑर्डिनेट है y, m into y2 n into y1 m plus n, 1 into 7 7 plus 4 3 are 12 upon 1 plus 4 5 19 upon 5, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए,
सेवन बाय फाइव, नाइनटीन बाय फाइव, समझ में आ गया। अब आता है क्यू के ढूंढने, क्यू के लिए एम और एन अलग होगा, बता सकते हो एम कितना होगा एन कितना होगा? टू रेशियो थ्री, ये टू हो जाएगा, ये टू और ये पूरा थ्री हो जाएगा, टू इज टू थ्री। अब इसको एम इसको एन, ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू, फॉर्मूला यही रहेगा। तो हमने लिखा टू वन टू, वही वाला एम इंटू एक्स टू प्लस एम इंटू एक्स वन, इससे एक्स वाई क्यू के ढूंढ लेंगे। अब आर का जब ढूंढना है तो उस समय आपके सेक्शन क्या बनेंगे, आर के समय ये थ्री इज टू टू हो जाएगा, उस समय ये थ्री इज टू टू, तो अब ये एम और ये एन, इससे आर मिल जाएगा। और टी ढूंढना है, टी के लिए फोर इज टू वन, ये एम और ये एन, इससे आप टी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो। फॉर्मूला सब में एक ही लगेगा, मेथड लंबा है, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे। सर ए और बी सब में सेम होंगे, ए और बी सिर्फ ऊपर के एम और एन चेंज होंगे ना? बस एम और एन चेंज होंगे पॉइंट के हिसाब से, ए और बी आपके हमेशा सेम रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे आप। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेक्शन फॉर्मूले का। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इनका इसको वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। ट्राई सेक्शन, आपको ट्राई सेक्ट करना है, एक लाइन है, ये लाइन दिया है जिसके पॉइंट ए और बी दिए, और इसमें जो पी और क्यू, पी और क्यू उसको ट्राई सेक्ट कर थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ए के पॉइंट है थ्री कॉमा माइनस फोर, बी के पॉइंट्स दिए हैं वन कॉमा टू, और पी के पॉइंट्स दिए हैं पी कॉमा माइनस टू, क्यू के पॉइंट्स दिए हैं फाइव बाई थ्री कॉमा क्यू, और ये पी और क्यू ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू ढूंढ के बतानी है, क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं पी एंड क्यू की वैल्यू? P और Q A B को ट्राइसेक्ट थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्या P और Q का वैल्यू ढूंढ के बता सकते हो? यस सर। क्या कोशिश करो, एक मिनट निकालो, P का वैल्यू क्या आएगा, Q का वैल्यू क्या आएगा सेक्शन फॉर्मूले से। ट्राई मारो, भले नहीं आए उसको इश्यू नहीं कि आप लोग नहीं निकाल पा रहे, कोशिश करो बस, क्या P का वैल्यू ढूंढ सकते हो, Q का वैल्यू ढूंढ सकते हो, ये निकालो बस। सर ये ऐसा कर सकते सर, मतलब थ्री माइनस फोर और वन टू के मतलब ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको अपॉन थ्री कर लेंगे, तो ए पी का वैल्यू हमको मिल जाएगा सर, और फिर पी की वैल्यू निकाल देंगे। ट्राई करो देखो निकलता है कि नहीं, मैं फिर आपको चेक करके बताऊं कैसे फाइंड करना है। अब अपना तरीका अप्लाई करो, मैं आपको छूट दिया हुआ जैसे करना करो। हाँ अंजलि कुछ आइडिया बताओ कैसे करें, महक मैं कुछ बताओ कि कैसे करें, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर हो गया, हो गया। पी का कितना आंसर है बताओ? ए और बी सेवन बाय थ्री, और क्यू का माइनस टू बाय थ्री। पी का सही आया, क्यू का आंसर रॉन्ग है। देखो अच्छा आंसर सेवन बाय थ्री किसी का आ रहा है, जरा चेक कर लो तो राइट आंसर है। अब मैं आपको सेक्शन फॉर्मूले में बताता हूँ, इसमें पहले आपको देखा थ्री पार्ट है, तो ये पार्ट वन हो गया, ये पार्ट आपका टू हो गया, तो वन इज टू टू आया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में इसको एम इसको एन, ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू, और ये आपका एक्स और वाई, आपका एक्स का फॉर्मूला डाला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एक्स की जगह आपने पी डाल दिया, एम की जगह वन, वन इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री सिक्स अपॉन वन प्लस टू थ्री, तो पी का वैल्यू सेवन बाय थ्री आ गया, बिल्कुल सही आंसर। फिर इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब हमें ये ढूंढना है सेकेंड पार्ट। आपको एक चीज ध्यान से देखना, आपको तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, क्योंकि क्यू पी बी का मिड पॉइंट आ रहा है, तो जो क्यू है वो माइनस टू और टू का मिड पॉइंट है, तो क्यू इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वाई टू प्लस y1 plus y2 by 2, ये दोनों का मिड पॉइंट है। देखो q है p और b के बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो आप लिख सकते हो q का जो वैल्यू है वो माइनस टू
प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, जीरो अपॉन टू जीरो आंसर है, तो क्यू का आंसर जीरो, पी का आंसर सेवन बाई थ्री। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं नहीं आया, चलो फिर से बता दे। देखो सर नहीं आया समझ में, बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या, ए और बी दो पॉइंट को ज्वाइन करने एक लाइन, जिसके कोऑर्डिनेट थ्री और माइनस फोर ए के और बी के वन टू, पी पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है और क्यू ट्राई, तीन इक्वल पार्ट्स में कर रहा है वन टू थ्री। पी के पॉइंट है पी कोमा माइनस टू, क्यू के फाइव बाई थ्री कोमा क्यू। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हमें पी का पॉइंट चाहिए, तो हमें सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, ए भी वन है और पी भी आपका टू आ रहा है, तो ये वन इसको टू का रेशियो आ गया। x पॉइंट का फॉर्मूला है n into x2 plus n into x1 upon m plus n। n क्या दिया 1, 1 into x2, x2 दिया है 1, 1 ones are 1 plus n into x1, n into 2 into 3, 6 upon m plus n, 1 plus 2, 3। और x का वैल्यू यहाँ p दिया हुआ, तो p equal to 7 upon 3, p का आंसर 7 upon 3 आ गया। अब आते हैं हम, अब बाकी पॉइंट तो मतलब नहीं, अब हम आते हैं इधर। आपको तो P और B का मिड पॉइंट Q दिया है, क्योंकि ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, PB PQ इक्वल टू QB, यानी Q P और B का मिड पॉइंट है। लास्ट टाइम हमने मिड पॉइंट का कांसेप्ट पढ़ा था, अगर मिड पॉइंट आपको याद हो तो उसका क्या फॉर्मूला था, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। आपको Q ढूंढना, तो Q y का कोऑर्डिनेट है, तो y Q कैसे ढूंढेंगे, y1 plus y2 by 2। तो Q की जगह हमने Q लिखा, y1 के लिए minus 2, y2 के लिए 2 लिखा, upon 2, तो 0 upon 2, 0 आंसर आ गया Q का। बेटा ये समझ में आया P और Q? पक्का? देखो थोड़ा सा खुद भी थोड़ा प्लानिंग करो, इसके अलावा भी कुछ सोचो। ग्राफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया है कि एक ये लाइन है, जिसके ए पॉइंट दिया है 8.2, बी पॉइंट -6.9 और जो पी पॉइंट है 2.5। तो आपको फाइंड करना है इन विच रेशियो, किस रेशियो, इन विच रेशियो पी डिवाइड्स AB, PAB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी M और N का वैल्यू क्या आएगा, मतलब PAB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड AB। तो आपको जब रेशियो फाइंड करना, तो आपको सिंपल इसको M मानना, इसको N मानना। अब आपके पास ये वैल्यू है 2, तो हमने पहले फॉर्मूला डाला X का, m into x2 plus n into x1 upon m plus n। x की जगह आपने 2 पुट किया, m की जगह m रखा, x2 कितना है minus 6 plus n की जगह n रखा, x1 की जगह हमने रखा 8 upon m plus n। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2m plus 2n minus 6m plus 8n, m को m के साइड भेजे, 2m plus 6m 8m minus 2m, 2 plus 6 8m is equal to 6m, m upon n, n को नीचे ले गए और 8 को इसके नीचे गया, तो m upon n का रेशियो 6 upon 8 यानी 3:4। तो ये जो रेशियो m और n का रेशियो 3:4 आ रहा है, तो ये p पॉइंट ab को 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बेटा देखो ये कैसे मैंने फाइंड किया, फिर से देख लो आप, ऐसा नहीं कि आप इससे फाइंड करो, 5 से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने 2 लिखा x की जगह, m की जगह m रखा, x2 की जगह -6 plus n, x1 की जगह 6, और इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और m को m साइड ले गए, तो ये 8m 6n आ गया, और m upon n चाहिए, तो 8 नीचे 6 upon 8, 3:4, तो m और n का रेशियो 3:4 आ गया। अगर यही चीज आप y से भी निकालते तो भी आंसर आता, जैसे आपने 5 लिया यहां, ये y का कोऑर्डिनेट m into y2 n into y1 upon m plus n,
क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले वैल्यू डाला अपनी एन, वाई टू की जगह आया है 9, एन वाई वन की जगह 2 अपॉन एम प्लस एन, क्रॉस मल्टीप्लाई 5n प्लस 5n, 9n प्लस 2n, आपने m को सेम साइड किया 5m माइनस 9m, 2m माइनस 5n, माइनस 4m इज माइनस 3m, m अपॉन n इज माइनस 3 अपॉन माइनस 4, तो 3:4, चाहे आप x के थ्रू फाइंड हो चाहे y के थ्रू, दोनों में आंसर आपका सेम ही निकलेगा, क्योंकि ये पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं। बच्चों ये रेशियो वाला समझ में आया कि नहीं आया? सर मेरा तो 4:3 आ रहा है। नहीं 3:4, 4:3 उल्टा आ रहा है, आपको m:n का चाहिए, n:m का नहीं। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है, सपोज आपको m और n नहीं चाहिए, तो दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी रेशियो ढूंढना हो तो ऐसे केस में आप दो रेशियो ना मान के सिंगल रेशियो ले लो, लेट द रेशियो बी k:1, k को हमने m by n डायरेक्टली, जैसे हमारा m by n होता है ना, उसको हमने k मान लिया, तो ये पूरा k:1 कर दिया, यानी रेशियो को दो वेरिएबल ना रख के सिंगल वेरिएबल k में कन्वर्ट किया। अब आता है जैसे x का पॉइंट, तो हम यहां लिखेंगे m into x2, n into x1 upon m plus n, x की जगह हमने डाला 2, m की जगह डाला k, सर k:1 कैसे आएगा वो हम रख, देखो जब रेशियो फाइंड करना है तो m रेशियो n की जगह, अगर रेशियो ढूंढना है तो आप k:1 लेकर भी करोगे आंसर वही आएगा, आपको m और n लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1 ना हो तो राइट साइड वाला मतलब कुछ और भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जैसे m upon n ने उसको k ले लिया पूरा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो ये पूरे रेशियो को हमने k:1 लेकर किया और जो k का आंसर आएगा वही रेशियो होगा। देखो मैं करके बता रहा हूं, m की जगह k into minus 6 plus n की जगह 1 into 8 upon k plus 1, क्रॉस किया 2k plus 2 minus 6k plus 8, 2k plus 6k is 8 minus 2 6, 8k is 6, k is 6 by 8, 3:4, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर वही आएगा, जो k का आंसर है वो रेशियो दे देगा, 3:4 रेशियो में डिवाइड हो गया। बच्चों ये समझ में आया आपको रेशियो वाला कि नहीं आया? आया सर। तो मैं इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिए। आप कोई प्रूफ हमको याद रखना है, मतलब प्रूफ कुछ में ऐसा तो फिर क्या करें, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बुक से, बुक का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो बुक का क्वेश्चन है वो भी एग्जांपल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो दे रहा हूं। क्वेश्चन ये दिया है कि ए 2, -3 है और बी 5, -6 लाइन जॉइनिंग दिस, आपका क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, इन व्हाट रेशियो लाइन जॉइनिंग दिस टू इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, किस रेशियो में एक्स एक्सिस को डिवाइड करें, जैसे अगर आप प्लॉट, मतलब इन व्हाट रेशियो लाइन joining A and B is divided by x-axis and find the point of intersection, और जहां वो उसको intersect कर रहा है x-axis को point भी ढूंढो, यानी ये line जो भी line इसको join करी x-axis किस ratio में इसको divide कर रहा है और वो पॉइंट ढूंढो जब जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सर ये तो खुद हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी सर, एक्स आएगा ना, एक्स 0, अगर आप ग्राफ में इसको प्लॉट करते हो 5, -6 यहाँ आ गया और 2, -3 आपका आ गया यहाँ पर, अगर आप ए और बी को ज्वाइन कर रहे हो, ए दिस इज बी दिस इज ए, तो ये P पॉइंट पर x एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रेशियो x 0, ये रेशियो क्या वो आपको फाइंड करना है, और ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या वो ढूंढने,
एक तो आपको रेशियो ढूंढना है, कोऑर्डिनेट ढूंढना, दो कंसेप्ट आपको ढूंढने हैं। पहले तो ये कोऑर्डिनेट तो 5 आएगा ना, वो आप ढूंढ के बताओ, मेरे को आईडिया नहीं, आप वो ढूंढना बता दो कि ये सर इसको सेक्शन फार्मूला से करना है। हां भाई, रेशियो फाइंड करने में सेक्शन फार्मूला, उसके बाद ये पॉइंट भी ढूंढ दे। पहले m और n की वैल्यू ढूंढो, फिर x और y की वैल्यू ढूंढो। क्या कर्स आप ट्राई करो, नहीं कर पाओगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा। अंजलि बताओ कैसे करेंगे इसको, अंजलि को हिंट दो मेरे को। यस सर। अंजलि एक हिंट बताओ मेरे को, एक्स एक्सिस में पॉइंट क्या होते हैं? मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस को हम क्या एज्यूम करते हैं, भूल गई रैनी? तुम बताओ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हम क्या एज्यूम करते हैं? एक्स जीरो। वेरी गुड। जब भी कभी भी x एक्सिस में कोई पॉइंट हो, x कॉमा जीरो। अब आपको पता है इसमें इसका y पॉइंट नोन है, लेकिन x पॉइंट अननोन है, क्योंकि x एक्सिस में हमेशा y जीरो होता है। तो आप इसका इसको रेशियो मान लो k इज टू 1 हो गया, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जीरो, तो y का फॉर्मूला डाल दो। y का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये y का फॉर्मूला हो गया। y की जगह आप जीरो डाल दो, और m की जगह मैंने बोला k is to 1, तो m का k और y2 दिया आपका 6 plus n की जगह 1 और y1 दिया minus 3 upon k plus 1। तो minus 2 is to 1, k plus 1, क्योंकि हमने m is to n को k is to 1 लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई 0 0 into k plus 1 0, 6k minus 3, 3 को राइट में ले गए 6k, और k का वैल्यू है 3 is to 6, तो 1 is to 2 divide 3 बन जाए 3, 3 2 जा, तो ये रेशियो 1 is to 2 आ रहा है। 1 is to माइनस नहीं आएगा सर? नहीं, क्यों, कौन सा माइनस बताओ सर? वो माइनस 3 into 1 करेंगे तो मतलब माइनस 3 आएगा। नहीं, ये देखो माइनस 2 लिखा ना, 1 into माइनस 3 माइनस 3 लिखा है। हाँ बराबर सर। x1 दिया 2 upon 1 plus 2, 5 plus 4, 9 upon 3, तो इसका आंसर है 3। तो ये जो पॉइंट है 3,0 आ रहा है, क्योंकि सर हाँ बोलो बेटा। सर इसको मतलब मैंने m और n लेके गया, मतलब आपने k और 1 लेके गया, सर मैंने m और n लेके गया, तो मतलब गलत तो नहीं होगा सर? आंसर देखो m plus m और n के थ्रू भी निकालो तो यही आंसर आएगा। देखो m और n के थ्रू निकालते हैं। हाँ सर मेरा भाई आया सर। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अपने m और n के तरीके से भी करोगे तो भी राइट मेथड है, रॉन्ग मेथड नहीं है वो। सर एक बार वो वापस बताओ ना, m और n वाला मेथड। m और n का फिर से बता, देखो अभी आपको पता है इसका y कोऑर्डिनेट 0 दिए, m का वैल्यू तो ये हमने m is to 1 मान लिया, क्योंकि हमें रेशियो ढूंढना है m is to n। m आपका m, y2 क्या है 6, n n y1 क्या है हमारा minus 3 upon m plus n, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 6n minus 3n, 3n राइट में आ गया 6m हो गया, और n को हमने नीचे क्रॉस किया और 6 को इसके नीचे, तो m is to n का रेशियो 1 is to 2, तो m का रेशियो 1 is to 2 आ गया सीधा। ये समझ में आया? m को एक साइड करो, n को एक साइड, और m is to n का रेशियो निकाल लो। फिर से मैं बताऊं पैटर्न की समझ में आया कि नहीं? आ गया सर पक्का। सभी को किसी को कोई क्वेरी है पूछ सकता है? वंस आपको पूछना बेटा पूछ लो, देखो अगर आप करना है। m और n को अपने सर क्या लिया? k plus 1 लिया सर। वो लास्ट में क्या किया उसमें? देखो ये रहा ना 3n राइट में गया, तो हां इसके बाद और फिर n का नीचे क्रॉस किया, और इसका जो m यहां रखा 6 को,
देखो ये रहा, ये 6m है ना, ठीक है, यहाँ आ गया और 6m यहाँ आ गया। अब आप क्या करोगे, 6 को नीचे ले जाओ और n को इसके नीचे ले जाओ, तो ये m is to n, यहाँ 3:6 1:2 रेशियो आ जाएगा तुम्हारा। सर हाँ बोलो क्या सर, पहले तो आपने k is to 1 लिया था ना। हाँ नहीं वो बोला कि m is to n से करें, मैंने बोला दोनों तरीके हैं, आप कोई भी कर सकते हैं m is to n, आप कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। k is to 1 इजी रहता है, लेकिन सब लोगों ने हमें m is to n से करना, मैंने बोला उससे भी कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों मेथड वैलिड है आपके। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, ये आपने किया कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सोचो तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वाई एक्सिस कट कर रही होती इसी क्वेश्चन में जो मैंने अभी दिया था, तो वाई जीरो नो कॉमा वाई लेकर फिर एक्स वाले कोऑर्डिनेट से आप एम और एन फाइंड करते, क्योंकि उसमें एक्स जीरो हो जाता। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इन वॉट रेशियो द लाइन सेगमेंट लाइन वीडियो पॉज हो गया joining the point -2, -3, in what ratio ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इन वॉट रेशियो does the line x minus y minus 2 equal to 0 divided by the line segment joining points A is 3, -1 and B is 8, 9। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करें, वो रेशियो आपको ढूंढना है। क्या आप ढूंढ सकते हो, जरा ट्राई मारो। क्वेश्चन थोड़ा वापस समझा। क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है x minus y minus 2 equal to 0, ये लाइन AB लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये AB लाइन है A और B, और ये लाइन है इसको x minus y minus 2, ये जहां भी इसको मीट करिए, इसको किस रेशियो में AB को डिवाइड करिए, वो आपको फाइंड करना, वो रेशियो, इन व्हाट रेशियो, यानी AB को सर नहीं पता चल रहा, क्वेश्चन नहीं पता, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सर लाइन हो गया, लाइन कैसे होगी सर, मतलब x minus y minus 2, मतलब ये सर खाई काम है ना सर, एक मिनट, आप दो पॉइंट को कभी भी ज्वाइन करो, एक लाइन सेगमेंट बनेगी, ये लाइन है x minus y minus 2 equal to, ये लाइन यहाँ से पास होते हुए जा रही है, तो ऑटोमेटिकली इसके दो पार्ट्स करें, AP रेशो PB, तो ये क्या रेशो बने, वो रेशो आपको ढूंढने, AP रेशो PB क्या बनेंगे, A के पॉइंट्स आपको दिए हैं 3, -1, B के पॉइंट 8, 9 दिए हैं, तो आपको ये फाइंड करने, ये रेशो क्या बनेंगे तुम्हारे। हाँ बच्चों कुछ आइडिया है इसमें, सर हम p को x0 ले सकते हैं, x, 0, नहीं बेटा ये x एक्सिस और y एक्सिस है ही नहीं, इसलिए हम इसको ये अज्यूम नहीं कर सकते, तो इसका एक तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, पर सर उसमें तो इक्वेशन है x minus y minus 2 equal to 0, तो x लाइन बनी जाएगी ना, लाइन कैसे लेंगे सर, मैं बता रहा हूं, देखो ये पॉइंट को सपोज ये रेशियो में पता नहीं k is to 1 ले लिया, अब हम इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, x का फॉर्मूला क्या है, m into y2 यानी k into 8 plus n into x2 1 into 3 3 upon k plus 1, ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट m into y2 k into 9 9k plus 1 into minus 1 upon k plus 1, ये x और y पॉइंट इसके आ गए, लेकिन आपको पता ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाइज कर रहे हैं, क्योंकि लाइन का कॉमन पॉइंट है, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर 2 3 x + y
इक्वल टू के पर लाइज करता है तो के का वैल्यू कैसे ढूंढ रहे, तो आप एक्स और वाई के लिए टू और थ्री पुट कर देते थे, तो सेम तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू ये आई, ये उठाकर एक्स और वाई की जगह पुट कर दो, इससे के निकल आएगा आपका। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है वो ए बी का भी पॉइंट है, इस लाइन का भी पॉइंट है, तो आपने एक्स की जगह पुट किया 8k plus 3 upon k plus 1 minus y के लिए पुट किया 9k minus 1 upon k plus 1 equal to 2 minus 2 तो राइट में लेके तो plus 2 हो गया, एलसीएम दिया k plus 1 8k plus 3 minus 9k minus minus plus 1 equal to 2, 8k plus 9k minus k plus 4 2k plus 2 और 2 को यहां लेंगे minus k minus 2k is 2 minus 4 minus 3k is minus 2, तो k का आंसर आया minus 2 minus 3, 2 is to 3, तो ये जो लाइन है वो इसको 2 is to 3 रेशियो में डिवाइड कर दे। बेटा ये समझ में नहीं पता चल रहा, आया सर अब आया थोड़ा बहुत, ये बोर्ड ही क्लियर नहीं है, बहुत नहीं आया सर, नहीं आया फिर से सुनो। आपको पता है AB इसको K is to 1 में कर रहा है, तो पहले आप P के पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूले से X और Y की वैल्यू K के टर्म्स में निकाल दो, जो मैंने आपको K के टर्म्स में निकाले थे, वो X और Y के पॉइंट इस लाइन पर भी लाइज कर रहे हैं, X और Y की जगह वो वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो K का वैल्यू आ जाएगा।